बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता करे। अल्लाह ताला हम सबको पांच वक्त का नमाजी बनाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाजे। जो बेरोज़गार अल्लाह ताला उन्हें रोज़गार अता करे। जीते हैं मेरी छोटी सी दुआ, आप चलते वीडियो पे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँचे। आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, और माशाल्लाह आज कपास को पानी भी लग चुका है और हर तरफ जो है ना कपास की तैयारियां हो रही हैं, यानी कि गाड़ियां लगी हुई हैं, हल चलाए जा रहे हैं और कपास उगाई जा रही है, बीज उगाया जा रहा है कपास का। तो बहुत जो है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है ये काम होते हुए देखते, और क्योंकि हर काम का हर अपना मौसम होता है और अपने मौसम में ही वो काम अच्छा लगता है। और अभी ये कपास की बुआई हो रही है हर तरफ, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है हमें। और इंशाल्लाह मैं भी अभी तैयारी कर रही हूँ, तो दुआ करें कि मैं भी मेरी आप ही जब जैसे शुरू होंगी तो फिर मैं उनके साथ जाऊँगी, और यहाँ से मुझे मोटरसाइकिल पर जाके छोड़ाएगा मेरा मियाँ, तो वहाँ से मैं उनके लिए उनके साथ काम पे चली जाऊँगी। और अभी सुना है कि वो प्याज काट तोड़ रही हैं, इनकी ज़मीन से निकाल रही हैं, तो मैं कह रही हूँ कि मुझे कल से वहाँ पर छोड़िएगा, ताकि मैं जो है ना वहाँ से प्याज वगैरह, चलो कोई घर का गुजारा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों ने बकरियाँ लेकर आए हुए हैं बच्चे, और बकरियां चला रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है ना इसकी बहुत चारे की बहुत कमी है। जैसे कि अभी कपास अभी से अभी तैयार हो रही है और घास, इसमें घास निकलने में कुछ वक्त लगेगा, तो इसलिए फिर बकरियां, भैंस, गायें दूर तक आपको नज़र आ रहे हैं जानवर यहां पर चारा चल रहे हैं। और ये बकरियां भी चारा चलने के लिए आई हैं, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। और हमारी सामान जो है ना किचन का बाहर पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि कवा उसमें जो है ना घुस जाए। और आज अनीस ने जो है ना इतना बड़ा काम किया है, यकीन करिए अभी मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं करा के अब वो आ जाए और अनीस को मारे ना, क्योंकि उसने जो ये काम जो किया है, मुझे खुद को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि मैं इसको जाकर ऐसे थप्पड़ों से शुरू हो जाऊं। फिर मैं तो कुछ एहसास कर गई हूँ, जैसे मुझे गुस्सा आया तो मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और मेरा गुस्सा तो ठंडा हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि इकरा के अबू आते हैं, उनका गुस्सा क्या करता है, जिस तरह की उसने हरकत की है। तो मैं भी काफ़ी टाइम से रोक रही थी ना करो ना करो, लेकिन वो जाना लगा हुआ था, मेरी मान ही नहीं रहा था, सुन ही नहीं रहा था, लेकिन उसने कर दिया। आप देखें आएंगे इकरा के अबू, तभी पता लगेगा कि वो आप क्या आकर क्या करते हैं। और आप चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि मैंने सामान निकाल के रखा हुआ है। तो आज हम बना रहे हैं आलू। क्या बस एक लखा दे बेटी, आटा गूंद रही हूँ। मैं आटा लिया और अभी इसमें परात में डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा गूंद लिया है और आज आपको थोड़ा बाहर का माहौल दिखाती हूँ, और अनीस ने आज क्या नुकसान किया वो भी आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इस टाइम बहुत अच्छा लगता है बाहर घूमते हुए। और अनीस ने आज तोड़ दिया घड़ा, इतनी मेहनत से मैं लेकर आई थी, और इस घड़े के भी 500-600 रुपया घड़े का लेते हैं, और इसने ये तोड़ दिया है, ये मिट्टी का घड़ा जो होता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है और गुस्सा भी आया, क्योंकि इतनी मुश्किलों से लेकर है, और हमारा कूलर भी टूटा हुआ है, उसके अंदर बर्फ़ डाल के थोड़ा पानी गर्म कर लिया जाता है, तो कूलर भी बिल्कुल टूट चुका है, और ये भी आज टूट गया। आज पता नहीं किस तरह हमारा वक्त गुजरेगा, जिस तरह पानी गर्म होता है इतना। और ये इन्होंने आज झूला बनाया हुआ है, ये बच्चों ने आज झूला बनाया हुआ है, इनका घड़ा तो नहीं टूटा,
ये घड़ा टूटे इसको बड़ी हिफाजत से रखते हैं, इनका घड़ा बिल्कुल नहीं टूटा, मेरा घड़ा टूट गया है, इसके अंदर तो अभी पानी भी वैसे का वैसे भरा हुआ है। मुझे इनका घड़ा दुख के देख कर मुझे अपने घड़े का बहुत दुख हो रहा है। और ये उमर आपका झूला है, ये तो है, ये झूला आपका है, आप इस पे बैठ के झूला खाओगे ना कर दे इसको। और मैंने ये लगाया था सुहाना, इसकी लकड़ी जो है बिल्कुल लकड़ी इसकी लग रही सूख चुकी है, हाँ बिल्कुल सूख रही है, यहाँ पर हरी हरी नहीं है, देखिए बिल्कुल सूखी हुई है। इसमें मैंने सोचा था कि ये यहाँ पर भी पानी आता है, नहीं मैंने इसको अलग से लगाया था, ये इकरा और अनीस ने ये इसको यहाँ से जो है ना ये बड़ा वाले गड़े में पानी इसको बना दिया है, नहीं तो पहले यहीं तक था बिल्कुल सही सही खड़ा हुआ था, अब तो बिल्कुल ये ख़राब हो चुका है और नीचे भी जा चुका है, ये यहाँ पर ऊपर होता तो मज़ा आता, ये सही से हो जाता लेकिन अब तो नहीं हुआ। मेरे हाथ से वैसे ही कोई चीज़ नहीं होती, जितनी भी कोशिश करूँ कोई भी चीज़ जो है ना सही तरह नहीं होती, इस तरह सूख जाती है। मैंने सब्ज़ी भी उगाई थी, मेरे हाथ की सब्ज़ी भी नहीं हुई, वो भी जल सड़ गई है, और ये सुहाना उगाया था ये भी अब जल चुका है, सूख चुकी है इसकी लकड़ी भी। इस तरह मैं कोई भी चीज़ लगाती हूँ तो मेरे हाथ की नहीं होती, मुझे बहुत दुख होता है। अनीस अगर कोई भी चीज़ लगाता है, माशाल्लाह अनीस लगाता भी है और तोड़ता भी है, ये तो इसकी पुरानी आदत है, जिसको लगा भी दिया तोड़ भी दिया। हमारी जो करेले हैं हवा की वजह से फिर नीचे आ जाते हैं, ऊपर जो होते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। ये पड़ी थी नीचे जो है ना जो जमी हुई है, पर ऐसे इनको कर दूं ताकि अंदर ये लकड़ी के ऊपर होंगी तो नीचे से जलेंगी नहीं, जैसे कि ये पत्ते जल चुके हैं इसके, ये देखिए क्योंकि ये ज़मीन पे पड़ी हुई थी इसलिए, ये लकड़ी के ऊपर होगी तो नहीं जलेगी। ये तोरी की भी माशाल्लाह ये सही हो रही है, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताया, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहता है, और अगर मैं कहीं गलत बोल जाती हूँ तो मुझे बता दिया करें, और फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।